क्षमता के मुताबिक न्याय नहीं कर पाया है इस खेल में। पांच के डिफेंस में इस समय रेड करते हुए दोनों कॉर्नर, चौबे लाठरे की बात हो चाहे सोहित की बात हो, बड़े बेहतरीन है भाई। सिर पीछे कर रहा थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड डिसाइड रेड मिलन इस समय भाई डिसाइड रेड करता हुआ। जा बोलो ऊपर मत मार यार। और भाई एक पॉइंट में मिलन बिल्कुल कामयाब रहा। रेडहरा की टीम की लीड बढ़कर हुई 21 नंबर 9 इमानसु को ग्रीन कार्ड दिया है। और लीजिए के साथ दो पॉइंट लेने का सामने रहा। भाई अगला जो मैच है वो दोनों टीमें ध्यान दे विक्की करोड़ी और भाई साथियों बिल्कुल कैच लगा दिया 10 नंबर का जर्सी जो खिलाड़ी है साहिल, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। उसकी सिस्टर भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जो बेटी आपने पूजा नरवाल एशियन गेम में देखी थी भारतीय टीम में, उसका भाई है छोटा, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। और रेजेगा साथियों इस बार कैच लगाने में कामयाब रही घुमाने की थी। उससे अगला मैच विक्की करोड़ी हिसार वर्सेस नौकरी, उससे अगला मैच बाबा प्रेमदास रेढ़ाना वर्सेस चमनलाल पहलवान फतेहपुर एक, ये चारों टीमें तैयार हो जाए भाई। उससे अगला मैच निजामपुर वर्सेस दौलताबाद, वो टीम भी तैयार रहे। कामयाब रहा आशीष और कबड्डी में आपने देखा होगा इस खिलाड़ी का एक अपना ही रोल होता है, रेड और डिफेंस दोनों वर्गों में ये कार्य करता है। अब रेड पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साथियों प्रवीण गांव रेढ़ाना जिला सोनीपत, बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन आज टीम भी आगे चल रही है, एक सुपर रेड भी लगा चुका है। गुमाना की जो टीम है वो कभी भी इस मैच को पलट सकती है। इससे पहले भी पिछले 13 तारीख को ऐसा ही मैच रहा था गांव हंसावास चरखी दादरी में, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गुमाना की टीम ने अपना दिखाया और उस मैच में जीत हासिल की थी। अक्सर ये दोनों टीमें टूर्नामेंट में बड़े बड़े मैच खेलती है लेकिन आज पहले ही मैच में खेलती हुई चौबीस 10 का स्कोर इस मैच का जो स्कोर है, रेढ़ाना का स्कोर है 24, गुमाना का स्कोर है 10। बहुत बड़ा मैच है, कभी भी वापसी हो सकती है। कर लीजिए साथियों बिल्कुल हिमांशु मैदान पर बहुत ही अच्छा का कार्य करता हुआ, इस समय एक और अंक अर्जित कर लिया। इससे अगला जो मैच है वो दोनों टीमें तैयार हो जाए विक्की किरोड़ी वर्सेस किरोड़ी सॉरी नौकरी नौकरी वर्सेस विक्की किरोड़ी किरोड़ी सारी टीम तैयार हो जाए और नौकरी की टीम तैयार हो जाए। टाइम आउट घुमाना
पीछे घूमना और भाई अब रेड पर साथियों आशीष इस समय रेड करता हुआ सामने छह खिलाड़ियों का डिफेंस बहुत ही अच्छा मैच आपके बीच में चल रहा है दोनों टीमों के बीच में अच्छी टीमें हैं अच्छे खिलाड़ी हैं और लीजिए भाई साथियों आशीष बिल्कुल कामयाब रहा सुपर रेड लगा दिया भाई दर्शक साथियों दो पॉइंट और लीजिए भाई मिलन बिल्कुल फिर कामयाब एक पॉइंट लेने में 27 पॉइंट है बारूराम स्टेडियम रेढ़ाना और तोहरा 12 पॉइंट है गुमाना और रेढ़ाना के बीच में अच्छा मैच चलता हुआ आशीष इस समय रेड पर बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब रहा और लीजिए भाई साथियों बिल्कुल एक और पॉइंट मिला गुमाना की टीम को गुमाना की टीम भी बिल्कुल बारूराम स्टेडियम की टीम के पीछे पीछे चलती हुई इस मैच में चार के डिफेंस में इमांशु इस समय रेड पर देखते हैं इमांशु स्कोर लेने में कामयाब रहेगा क्योंकि चार खिलाड़ियों का डिफेंस है और चलती हुई सोहित से पॉइंट मिला गुमाना की टीम को एक आप समाप्त हो चुका है 15 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है स्कोर की बात करें 15-27 का स्कोर है दर्शक रेड पर भाई साथियों मिलन इस समय रेड पर सेकंड हाफ की पहली रेड मिलन दिए रेड करता हुआ अंडर 19 का सकून फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये हिंदुस्तान का बड़ा बेहतरीन रेड है बेस्ट रेड है और आज सीनियर मुकाबले में स्कोर निकालता हुआ स्कोर करता हुआ अपनी टीम के लिए और अब चार के डिफरेंस में 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साथी आशीष इस समय रेड पर आशीष उर्फ बबला लेकिन आशीष को भी चांस लगा दी है प्रो कबड्डी का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है काफी टीमों के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है ये खिलाड़ी भाई साहब नेटवर्क डाउन हो गया बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा कोशिश करूंगा दो तीन बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ टेस्ट में डाउन आ रहा है अगले मैच की दोनों टीमें ग्राउंड के नज़दीक आ गया विक्की किरोड़ी हिसार वर्सेस लोखड़ी और भाई इस समय प्रवीण रेड करता हुआ प्रवीण की टीम भी इस मैच में आगे चल रही है अभी तक तो आगे है और गुमाना की टीम इस मैच में पीछे चल रही है लेकिन गुमाना की टीम कभी भी मैच को बदल सकती है थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड और भाई मिलन दहिया इस समय डिसाइड रेड करता हुआ थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड बहुत ही अच्छा मैच आपके बीच में जैसे जैसे ये मैच अपने अंतिम समय की तरफ जाएगा बहुत हाई वोल्टेज हो जाएगा मिलन इस समय रेड करता हुआ और दोनों टीमों को 1100 रुपये धर्मेंद्र फौजी साहब की तरफ से दिए जाएंगे और ताली मारो भाई दर्शक साथियों बिल्कुल कैच लगा दिए डिसाइड पर और थर्ड रेड टू डाई रेड सुनील नरवाल उपशीला कंडक्टर इस समय डिसाइड रेड करता हुआ बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और लीजिए भाई साथियों बिल्कुल कैच लगा दी है पॉइंट किया बारूराम को टीम ने दोनों टीमें डिसाइड खेल रही है लेकिन गुमाना के लिए डिसाइड को खेलना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक अच्छी लीग में रिधाना की टीम है जो 7 नंबर आउट हो लियो सेल्फ आउट हो लियो धानी को ने उसको
लाइन करो इसका पूरी लाइन करो उसका यार लाइन कैसा करो उसका भाई टेप ये टेप खोल लो लाओ यहां पर भाई चुनाव शांति बिल्कुल होश कम है सत्रह पॉइंट घुमाना और तीस पॉइंट बारूराम स्टेडियम रेढ़ाना भाई जो भी आउट खिलाड़ी है वो लाइन एम्पायर के कहने से नीचे बैठ जाए और भाई सुपर रेड लगा दिए मेरे साथियों आशीष ने बिल्कुल सुपर रेड लगा दिए ऑल आउट डिसाइड रेड बराबर ही है मैच अब तो दो अढ़ाई रेट डिसाइडेड साहिल गांव रेढ़ाना इस समय रेड करता हुआ बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है कवर पोजीशन का बहुत ही अच्छा डिफेंडर है युवा डिफेंडर की बात करें तो लेकिन कबड्डी में जरूरत के हिसाब से कार्य करना होता है रेड की जरूरत होगी रेड भी करनी होती है रेड राउंड वन प्लस टू थ्री पॉइंट और अब रेड पर आशीष इस समय रेड करता हूँ प्रो कबड्डी का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी एक अच्छा बेहतरीन ऑलराउंडर दो पॉइंट है ताली मारो भाई दर्शक साथियों मात्र पांच पॉइंट की लीड बची है अब बिल्कुल वापसी करवा दी है आशीष ने गवाना की टीम को और अब रेड पर मिलन दहिया इस समय रेड करता हुआ धीरे धीरे करके इस मैच में गुमाना की टीम भी वापस आ चुकी है 25-30 का स्कोर है कभी भी मैच किसी भी दिशा में जा सकता है पच्चीस तीस का स्कोर अरे यार तो अच्छी और भाई फिर रेड पर आशीष भाई कोई बात नहीं आपस में बहस लग रहे और बिल्कुल शांति से खेलने साथियों खिलाड़ियों से मैं कहना चाहूंगा कि मैच की हालत अलग है किसी भी खिलाड़ी को चोट न लगे आप इस चीज में ध्यान रखें आप रोज मैच खेलते हैं रोज बड़े बड़े टूर्नामेंट होती है हरियाणा प्रदेश में आप खेलते रहते हैं उसी प्यार प्रेम से खेले और लीजिए बार साथियों बिल्कुल फिर कैच लगा दी है सीला कंडक्टर को लगातार कैच लगाने का काम कर रही है बारूराम स्टेडियम की टीम तो सेट ही नहीं होगी 32-26 का स्कोर 32-26 का स्कोर और टाइम आउट लिया गुमाना की टीम ने अगले मैच की दोनों टीमें मैच पर आशीष प्रेमदास मैंने दिए गए उसने दिए देख रहे ने भाई विक्की करोड़ी हिसार और लोखरी दोनों टीमें आ जाए उससे अगला जो मैच है वो दौलताबाद वर्सेस और भाई रेडर आउट पॉइंट मिला गुमाना की टीम को और भाई दर्शक साथियों धीरे धीरे गुमाना भी वापसी कर चुकी है 28-32 का स्कोर 28-32 का स्कोर
भाई, तीन पॉइंट मात्र, एक पॉइंट की लीड बची है, 31-32 का स्कोर हो चुका है। ताली बजाने पर दोनों टीमों के लिए सभी दर्शक भाई, नेटवर्क कौन ही है और अब दूसरे हिस्से में रेट पर नेटवर्क कौन ही सारी चीजें ट्राई कर रही है। 31-32 का स्कोर बोनस पर इस वन ठीक है ना, ना कोई ये जो ये माइक वाला भाई है कुश्ती के लिए साउंड चालू कर दे, कुश्ती का दंगल भी शुरू होने जा रहा है। और मैं फिर ईमानदारी से इस समय रेट करता हूँ, बहुत ही अच्छा मैच है, दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन खेल रही है। स्कोर की बात करें 31-36 का स्कोर, 31-36 का स्कोर फेवर ऑफ गुमाना, गुमाना सॉरी रिढ़ाना, रिढ़ाना की टीम का स्कोर है 36, गुमाना की टीम का स्कोर है 31। रिढ़ाना की टीम इस मैच में आगे चलती है। अब रिढ़ाना की तरफ से प्रवीण इस समय रेड पर, बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना की टीम आगे चल रही है। प्रवीण इस समय रेड करता हुआ 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना की तरफ से। और भाई 5 का डिफेंस में भाई लेटा मत आलो ना, विजय इस समय डिसाइड रेट करता हुआ। बहुत ही अच्छा मैच दोनों टीमों के बीच में, अगला मैच के लिए वो दोनों टीमों की तैयार होना थर्ड रेड और आखिरी 5 मिनट से थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर। और भाई इस मैच में 5 मिनट से कम समय बचा हुआ है, मिलन इस समय रेड करता हुआ। और लीड की बात करें तो 5 पॉइंटों की लीड है बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना के पक्ष में, 5 पॉइंट आगे चल रहे रिढ़ाना की टीम। आखिरी 4 मिनट से 4 खिलाड़ियों का डिफेंस, नवीन इस समय रेड पर बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना को। बहुत ही अच्छा हमारे ऑफिसर सुखवेंद्र जी और दीपांशु जी और चीफ ऑफिसर की भूमिका में रमेश जी अच्छे से इन मैचों को खिला रहे हैं। अब धीरे धीरे जिस प्रकार इस मैच का समय घटता जा रहा है, गुमाना की टीम की चिंताएं बढ़ती जा रही है। 4 के डिफेंस में प्रवीण इस समय रेड पर, अगले मैच की दोनों टीमें विक्की किरोड़ी हिसार वर्सेस लोकरी, विक्की किरोड़ी हिसार की टीम वार्म अप हो रही है, ये लोकरी की टीम लोकल को भी तैयार रहे। राजीव गांधी स्टेडियम में इस खिलाड़ी ने अभ्यास किया धीरेज गौल साहब के पास। आखिरी 3 मिनट से डिसाइड रेड सुपर टैकल ऑन, वार्निंग मिला है 12 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को कि आप जर्सी से किसी खिलाड़ी को कैच नहीं बना सकते।
और अब आखिरी खिलाड़ी रौनक बोनस प्लस लेने में कामयाब रहा। अब रेड पर हिमांश और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना की टीम की। आखिरी दो मिनट का समय बचा है, यानी कि मैच में 120 सेकंड का समय बचा हुआ है। सही टीम आ रही है, मजे आ जाएंगे। यही वार्म अप हो रही है और दोनों टीमें मैदान के नजदीक आ जाए। साई बने ढिल्लू आ रहे हैं, लाड़ा हो गया ताली बजाओ का दर्शक साथियों, मैच के हार की तरह है लेकिन नौ नंबर दर्शक लाइसेंस बिल्कुल स्कोर किया इस खिलाड़ी ने। थर्ड रेड डू और डाई रेड, यदि यहां पीछे को कैच लगती है तो साथियों फिर इस मैच का परिणाम बदल सकता है। स्कोर की बात करें 38 पॉइंट गुमारा और 41 पॉइंट बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना। साथियों टाइम आउट, केवल टीम जीत जाएगी गुमारा की। और यदि मिलन वापस चला गया सुरक्षित तो वह टीम जीत जाएगी बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना की। टीम रोक दिए मैं दर्शक साथियों, देखते हैं क्या होता है। कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा इस रेड पर चलो ध्यान न दे, कुछ भी घटना घटित हो सकती है साथियों। जब तीर कमान पे और खिलाड़ी मैदान पे कुछ भी कर सकते हैं भाई। और भाई मैच समाप्त हो चुका है भाई साथियों, कुछ भी हो लेकिन दोनों टीमों के लिए ताली बजा दो दर्शक साथियों।